देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और लगातार धूमधाम से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जन्माष्टमी पर नंदलाल के दर्शन कर रहे हैं लोग। दुल्हन की तरह कान्हा की नगरी मथुरा सज चुकी है, ये तस्वीरें आप देखिए। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, धूमधाम से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर तरफ मंदिर सज चुके हैं और खास तौर पर ये मथुरा की तस्वीरें भी आप देखिए। मथुरा में इस वक्त मंदिरों में अलग ही छटा देखने को मिल रही है। भक्तगण लगातार सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और श्री जी यानी कि राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर नंदलाल को देखने के लिए लगातार भक्त पहुंचे हुए हैं। दुल्हन की तरह कान्हा की नगरी मथुरा सज चुकी है। और इसी बीच हमारी संवाददाता ऋतु तोमर हमारे साथ जुड़ चुकी है मथुरा से अपडेट देने के लिए। ऋतु, जिस तरीके से मथुरा की छटा इस वक्त अलग ही देखने को मिल रही है, हर भक्तगण मंदिर पहुंच रहे हैं, मंदिरों में भगवान का दीदार कर रहे हैं, फिलहाल मंदिरों से क्या कुछ अभी ताजा तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल प्रद्युमन, देखिए अगर मैं यहाँ पर भीड़ की बात करूँ, श्रद्धालुओं की बात करूँ, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 50 लाख की संख्या में इस बार मंदिर में यानी कि ब्रज भूमि में जन्मस्थली में दर्शन करने के लिए भक्तगण आ सकते हैं। अगर मैं सड़कों पर भीड़ की बात करूँ तो वाकई में बहुत ज्यादा भीड़ है। हालांकि व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है और चाक चौबंद सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। देखिए तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ फिलहाल यहाँ पर आई हुई होगी, क्योंकि ये जो त्योहार है उमंग का है, हर्ष का है, प्रेम का है, श्रद्धा का है और उत्साह का है। और वो उत्साह भक्तों में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। कुछ भक्त दर्शन कर चुके हैं, कुछ भक्त रात के समय यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है 12 बजे उस वक्त उस पल का साक्षी बनना चाहते हैं, तो कुछ उस हिसाब से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर बात करूँ तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही रूट डायवर्जन भी किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है और जो श्रद्धालु जन है वो यहां आ रहे हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए यहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसके साथ ही अगर मैं भंडारे की बात करूं तो श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जो आम जन है यानी कि जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने यहां पर भंडारे का भी इंतजाम किया हुआ है। उनके लिए पेयजल की व्यवस्था भी की गई है ताकि कोई भी श्रद्धालु जो यहां पर आता है किसी भी तरह से भूखा प्यासा ना रहे। तो देखिए बड़ी संख्या में, क्योंकि हर साल का अगर मैं नजारे की बात करूं तो यही रहता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार ये जो संख्या है ये 50 लाख के करीब पहुंचने वाली है, जो कि अपने आप में बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या बता रही है ऋतु की। इतनी बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर हो पाए तो आसपास जो श्रद्धालु है उनसे एक बार जरूर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी श्रद्धालुओं से बातचीत करने की। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, उनको रोकने की भी कोशिश करूंगी क्योंकि जल्दी में ज्यादा लग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दर्शन करके आ चुके हैं। मैं कोशिश करती हूँ बातचीत करने की। सर हमारे साथ में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र नागर है। पुष्पेंद्र जी कहाँ से आए? मैं आगरा से हूँ। आपके साथ में आपकी फैमिली भी है? फैमिली, इनको भी बोलिए आगे। आपका नाम क्या? माधवी। आप इनके साथ पहली बार आ रही? जी जी, पहली बार आए। आपको दर्शन करके कैसा लगा और व्यवस्था कैसी? दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्था की हुई है। इस बार भीड़ भी काफी है यहाँ पर और कृष्ण जी का जो उत्साह है पब्लिक में वो काफी ज्यादा है। अच्छा, आप हर साल आते हैं या पहली बार आए? मैं तो हर साल आता हूँ लेकिन न्यू मैरिज हुई है अभी मेरी। अच्छा, तो भाई और शुभकामनाएं हैं। आप पहली बार? जी जी सर। आपके बहुत अच्छा रहा। आपके दर्शन हो गए? जी दर्शन हो गए। आप यहाँ आज रात को भी आएंगे जब कान्हा जी का जन्म होगा या दर्शन करके? आप हम जा रहे हैं दर्शन करके। ठीक है, चलते चलते जय श्री कृष्ण, जयकारे लगा दीजिए। जय श्री कृष्ण। आपने सुना यहाँ पर जो लोग हैं कुछ पहली बार आ रहे हैं, कुछ हर बार आते हैं। इसके साथ ही और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए लोग आ जा रहे हैं इसलिए बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं लोगों से बात कर पाऊँ, श्रद्धालु से बात कर पाऊँ। मैम आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं गुड़गांव से। आप पहली बार आ रही हैं या हर साल आ रही हैं? जी क्या पहली बार आ रही हैं अभी दर्शन करने के लिए? कब आई हैं? आप पहले दर्शन कर चुकी हैं? आप दर्शन करने? नहीं, पहली बार है सब कुछ। हाँ, कैसी व्यवस्था लग? व्यवस्था तो ठीक ही है। आज तो अभी स्ट्रगल तो करना पड़ेगा मंदिर दर्शन के लिए, तो आज तो ऐसे ही। अगर भीड़ तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मुझे ये बताइए आप, क्योंकि देखिए दर्शन करने के लिए आते हैं, सभी का मन होता है, श्रद्धा भाव होती है पूरी जिंदगी में कि एक बार तो दर्शन जन्माष्टमी के दिन हो जाए। आप वो भाव लेकर यहाँ पर आई है, जब आपने ब्रजभूमि पर पैर रखा यहाँ पर कैसा लगा आप? बहुत अच्छा, मन को बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा। और भी लोग आए? हाँ, मेरे सब दोस्त है सर। आओ आओ ना। और
और भी है, सब चले गए। आपका नाम क्या? अमाया। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो? अभी हम लोग गुड़गांव से आए। हाँ जी, अभी पहली बार? हाँ, फर्स्ट टाइम आया। गेटअप लिया हुआ है यहाँ पर, टीका लगा हुआ है राधा रानी जैसा लग गया था। कैसा लग रहा है हमारा? बहुत अच्छा लगा, सुकून मिल रहे हैं। पर दर्शन नहीं दे पा रहे, बहुत भीड़ भाड़ है। भीड़ तो होगी, जन्माष्टमी का दिन आपने चुना है, लेकिन आपको नहीं लगता कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि आज के दिन आप? अच्छा लग रहा है, सुकून मिला। भगवान श्री कृष्ण क्या लगा ना? जयकारा लगा ना? जयकारा पता नहीं है, कोई बात नहीं। राधे कृष्ण की जय। तो देखा प्रद्युमन जी, जो लोग हैं, कुछ लोग पहली बार आ रहे हैं, कुछ लोग रेगुलर आते हैं, लेकिन देखिए हर बार इसी तरह का कुछ लोगों के मन में जो भाव है वो ऐसा ही रहता है। लोग दर्शन करने के लिए तो कभी भी आ जाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का पर्व एक अलग ही होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अलग ही पर्व होता है, और उसके मौके पर देर रात का सभी भक्त जो है वैसे भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देर रात की जो छठा होती है वो अलग ही मथुरा में देखने को मिलती है, और आप इसकी साक्षी भी बन रही है। ऋतु, फिलहाल आप बने रही है हमारे साथ, और अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आगे बढ़ लेते हैं अब खबरों में। आपको बता दें कि गाजियाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। न्यूज स्टेट संवाददाता ने श्रद्धालुओं और संतों से बातचीत की है, सुनवाएंगे आपको। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज दिन है, और इस समय हम गाजियाबाद के एस्कॉन मंदिर में आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि सुबह से ही भक्तों का तांता एस्कॉन मंदिर में लगना शुरू हो गया है। मंदिर के महंत हैं हमारे साथ, सीधा उनसे बात करते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और सुबह से ही देखा जा रहा है कि भक्तों का तांता लगा है, क्या विशेष रहने वाला है एस्कॉन मंदिर में? विशेष बहुत कुछ है, जैसे कि आप देख सकते हैं भगवान का फूल बंगला लग चुका है, बहुत सुंदर दर्शन है। लोगों का भौतिक आकर्षण खत्म हो रहा, भगवान की तरफ उनका आकर्षण हो, इसके लिए बहुत अच्छा सुंदर व्यवस्था है। लोग आएंगे, भगवान की आरती करेंगे, भगवान का शंख अभिषेक करेंगे, वीआर शो देखेंगे, वर्चुअल रियलिटी पे गोवर्धन लीला देखेंगे, प्रसाद उनको बटेगा, तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम में लोग सेल्फी स्टैंड है, इंटरव्यूज देंगे, बहुत चीजें की व्यवस्था की गई है, लाइन की व्यवस्था, बैरिकेडिंग टेंट, वाटरप्रूफ टेंट। संख्या में श्रद्धालु जो है वो मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। एक बार आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये जो एस्कॉन मंदिर है आपको तस्वीरों में एक बार दिखाएंगे, वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, और जहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे देव हैं जिनको भारत में के साथ साथ विदेशों में भी पूजा जाता है। आप मंदिर आए हैं एस्कॉन मंदिर, कितने सालों से आ रहे हैं? 10 साल तो हो गए हमें आते हुए यहाँ। कितनी भीड़ रहती है मंदिर में? बहुत भीड़ रहती है, कि जन्मोत्सव पर जन्माष्टमी का मौका है और ऐसे में भीड़ होना तो लाजमी है। और न्यूज स्टेट के लिए सोनू अरोड़ा, उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता